तो आज हम बात करेंगे बजाज फाइनसर्व के स्टॉक के बारे में। बजाज फाइनसर्व के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने बीच बीच में यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर स्टॉक कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और हमको स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.93% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, वो भी यहाँ पर स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल से। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1568 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1492 और 1420 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1618 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1700 देन आजम को स्टॉक में 1800 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन आजम को स्टॉक में 1900 और 2021-2200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।